ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 15 दिसंबर 2018 शनिवार का दिन है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र है कुंभ राशि में। 3:24 तक चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। दिशा शूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहुकाल जो कि सुबह 9 से लेकर 10:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में और मीन राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ मिथुन कर्क कन्या तुला वृश्चिक और मकर इन 7 राशि वाले लोग जो भी चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। ये 7 लकी राशियां रहने वाली है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव की कोशिश आप कर सकते हैं, आप उसमें सफल भी होंगे। पुराने पैसों का हिसाब होगा। बिजनेस और नौकरी में खुद की स्थिति पर विचार कर आगे बढ़ने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। नए निवेश की सलाह भी आज आपको मिलने वाली है। आसपास के लोगों से मन की बात अच्छे से आप जो है छुपा लेंगे। रिश्तों और पैसों के मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगे। आज आपके व्यवहार और किए गए कामों से रिश्तों की गहराइयां बढ़ने वाली है। दूसरों की मदद करने के लिए आप तत्पर रहेंगे, इससे आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। और उपाय कर के रूप में यदि आप काले कपड़े में जौ रख करके दान करते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिल सकता है। आपके काम से अधिकारी खुश होंगे। रुकावटों और हर तरह की परिस्थितियों के बावजूद आपका ध्यान काम के ऊपर रहेगा। आपकी सलाह से किसी को धन लाभ भी हो सकता है। पैसों और रिश्तों के क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप अपनी बात बिना घुमाए सीधे सीधे कह सकते हैं। आज लिए गए आपके कुछ फैसले फायदेमंद साबित होंगे। आप पारिवारिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु के मंदिर में कोई भी पीला फल दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश आपकी सफल रहेगी। आत्मविश्वास बनाए रखें। पुराने दोस्तों से मिलने के लिए आप बहुत उत्सुक रहेंगे। जरूरी काम निपटाने पर ध्यान दें। ऑफिस में नए दोस्त आपके बन सकते हैं। परिवार से आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा। कुछ कामकाज से भी आपको फायदा होगा। पैसा निवेश करने के कई तरह के सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। अपनी वाणी से सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। कोई मामला आप निपटाना चाहते हैं तो सीधी बात करके मामला सुलझाएं या फिर 1-2 दिन के लिए उसे पेंडिंग छोड़ दें, अपने आप सुलझ जाएगा। उपाय के रूप में हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। उन बातों पर आप विचार करें जो आपके लिए खास है। दोस्तों और सामाजिक संपर्क के दम पर आप सभी कामों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अपने कामकाज पर पूरा ध्यान रखें। कोई ऐसी बातचीत भी शुरू हो सकती है जो आने वाले 2-3 तक चलेगी। आपकी उम्मीदें बढ़ जाएगी, उत्साह भी बढ़ेगा। बिजनेस के लिए यात्रा आपको करनी पड़ेगी। कोई राज की बात आज आपको पता चलेगी। दोस्त के लिए आप कोई भी ऐसी वस्तु खरीदेंगे जिससे उसका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। मौजूदा कामकाज निपटाने की कोशिश करें। किसी खास नतीजे का इंतजार आपको करना पड़ेगा। शारीरिक तथा मानसिक तनाव से राहत मिलने का योग है। कारोबार के क्षेत्र में जो समस्या अभी तक चल रही है वह समाप्त होने वाली है। उपाय के रूप में यदि आप कोई भी फल का जूस पिएंगे आज तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। काम करते करते निवेश की योजना भी बन सकती है। कामकाज से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। सोचे हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। नया काम हाथ में लेने से पहले पुराने का सभी काम आपको निपटा लेना चाहिए। आपका मन पॉजिटिव रहेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से चलते फिरते मुलाकात होगी जो आपके लिए बहुत खास साबित होगा।
ये मुलाकात आपके पक्ष में रहेगी। आने वाले दिन आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपका साहस उत्साह बढ़ेगा। कोई नए व्यक्ति से आपका संपर्क भी होने वाला है। और उपाय के रूप में शनिदेव के मंदिर में यदि आप काले तिल चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा और पैसों के मामले में आप शांति से विचार करेंगे और फैसला भी लेंगे। पैसों की समस्या का यदि आप सामना कर रहे हैं तो उसे सुलझाने के लिए आप कोई भी जो है ऐसा काम करेंगे जिससे आपके सारे जो मामले हैं उलझे हुए और सुलझ जाएंगे। दोस्तों से मेल जोल बढ़ेगा। सूझबूझ और साझेदारी के कामों में फायदा होगा। परिवार की उलझने समाप्त होगी। नौकरी धंधे करियर में आप आगे बढ़ते जाएंगे। कारोबारी बदलाव आपके लिए सुखद साबित होगा। धन लाभ का योग बन रहा है और किसी को भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। ऑफिस में कामकाज को लेकर के थोड़ी टेंशन हो सकती है। आज आप जो भी बदलाव चाह रहे हैं उनको आप एकदम सही सही जो है बदल सकेंगे। अधूरी बातें कहने से आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। पार्टनर के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करें, इससे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अचानक होने वाले घटनाक्रमों पर पूरा ध्यान दें। कोई दोस्त या पुराना साथी आपको काम की जानकारी दे सकते हैं जिससे आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। फालतू विवाद भी आपके समाप्त हो जाएंगे। शत्रुओं पर विजय मिलने का योग बन रहा है और ईश्वर पर आपको भरोसा रखना चाहिए। कुछ ऐसे काम भी आप कर सकते हैं जिनसे आपको मानसिक शांति और हल्कापन महसूस होगा। पुरानी गलतियों से कुछ सीख भी सकते हैं। नौकरी और बिजनेस की टेंशन समाप्त हो जाएगी। पैसों को लेकर के जो उलझन चल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। जो बदल रहा है उसे बदलने दे। विरोध आपको नहीं करना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि पीपल के पेड़ के नीचे आप शक्कर और पानी मिला करके चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। बहुत से मामलों में किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा। कोई खास और अच्छा काम होने का योग बन रहा है। मौज मस्ती की आपकी इच्छा हो सकती है। समझौते और धैर्य का मन बना करके आपको चलना चाहिए। बहुत सारा काम दूसरों के लिए आपको करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे और मन लगा करके सभी काम करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। धैर्य रखें। प्रेमी और जीवन साथी के साथ संबंधों पर ध्यान दें। नए पुराने दोस्तों से संबंध मजबूत होंगे। अतिथि सत्कार का आपको फायदा होगा। कोई पुराना मामला फिर से उठ सकता है। कुछ कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती है। आप थोड़े बेचैन हो सकते हैं। कुछ लोग आपको परेशान करने का प्रयास भी कर सकते हैं। आसपास के कुछ लोग आपके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भी करेंगे। जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना होगा। और उपाय के रूप में एक नारियल यदि आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। नई योजनाएं आपकी बन सकती है। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई काम आपका होने वाला है। आपके ऊपर कई तरह की जिम्मेदारियां आने वाली है। आसपास के कुछ लोग आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे। संबंध लोगों से सुधरेंगे, मधुर होंगे। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। अविवाहित प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। माता से सहयोग मिलने का योग बन रहा है। आज किए गए कामों का फायदा आपको आने वाले दिनों में प्राप्त होगा। संतान को समय देना होगा। कुछ दोस्तों की मदद से रुके हुए सभी काम पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए प्लान बनाकर आप काम कर सकते हैं। दिन भर कई तरह के विचारों में आप उलझे रहेंगे। उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में यदि आप मावे की मिठाई चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। पैसों के लिहाज से अचानक फायदा होने का योग बन रहा है। निजी और पारिवारिक जीवन पर गंभीरता से आपको ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारी का एहसास आपको हो जाएगा। आसपास के लोग आपकी मदद मांग सकते हैं। पैसा कमाने के जो भी मौके आपको मिले उनको आप सावधानी से परख ले। ऑफिस के कामकाज में आप पूरी तरह सफल रहेंगे। जरूरी काम पूरे होने की संभावना है। किसी खास मामले में आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। इससे आपके भी काम फायदे में रहेंगे। दोस्तों के साथ काम करने वाले कार्यों से आपको लाभ होगा। पुराने अधूरे काम आपके निपट जाएंगे। पुरानी मेहनत का नतीजा भी आपके पक्ष में आने वाला है। और उपाय के रूप में किसी नदी या तालाब में यदि आप चावल के दाने डालते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा।
अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। दिन अच्छा है, धन लाभ होगा, नौकरी बिजनेस में भी मनचाहा ट्रांसफर मिलने का योग बन रहा है, अधिकारियों से मदद मिलेगी, अतिरिक्त इनकम के मामलों में आप व्यस्त रहेंगे, किसी से भी बात करें तो बिना भावनाओं में पड़े और सत्य और तथ्य आधारित सीधी सादी बात करें, ऑफिस में भी अपनी आवाज और वाणी पर नियंत्रण रखें, आसपास वाले लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, सोचे हुए सभी काम आपके पूरे हो जाएंगे। और उपाय के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के शक्कर का दान करेंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तेजी से आपका दिन निकलेगा, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं, आज के काम आपकी तरक्की से जुड़ सकते हैं, उनसे आपको फायदा भी होगा, पैसों के मामलों में कोई पहल करने के लिए आप बहुत उत्सुक रहेंगे, कोई उलझन है तो उसे सुलझाने के लिहाज से दिन अच्छा है, स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, अचानक धन लाभ होगा, साथ के लोगों से समय पर आपको मदद मिलती जाएगी। और उपाय के रूप में यदि आप एक बादाम हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।